डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x। यहाँ देखिए बेटा, दो फंक्शन है, a को मैं u का नाम दूंगी और a को मैं v का नाम दूंगी और u डॉट v लूंगी, सही। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज़, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और v का डेरिवेट d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस साइन। अब मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखा था, दूसरे का डेरिवेट लिया था, हम लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स का ऐसे रखेंगे और d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, लॉग का डेरिवेट होता है 1 ओवर अंडर रूट एक्स और d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, प्लस साइन आएगा लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स इन टू हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेट आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 2x। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इसके साथ मिल सकता है, ये हमारे पास आएगा x की पावर 2 माइनस 1/2 और इसका डेरिवेट हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर हमारे पास आएगी 1/2 अंडर रूट एक्स, अगर ये नीचे भी रहता था तब भी ये इसके साथ मिक्सअप हो सकता था, प्लस 2x लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, सही। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास सिर्फ आपके पास बचेगा ये 2 2 4 4 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, इसको ऊपर ले जाते हैं माइनस 1/2, तो ये हमारे पास जो टर्म बचेगी, ये टर्म टोटल हमारे पास क्या आएगी, 3 माइनस 1, 3 2/2 सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 2x log of under root x, ये हमारे पास आ गया d by dx of dy by dx। एक और पार्ट में कर रही हूँ, इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, y इन्होंने गिवन दिया हुआ है x over log of x, u into v का फंक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होगा v square over v as it is into derivative of u minus sin u as it is derivative of v, ठीक। इसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ln x का square और ln x as it is into x का डेरिवेट, यानी d by dx of x minus sin x as it is d by dx of log of x, ये हमारे पास आएगा log of x, x का डेरिवेट 1 minus x into 1 over x, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ln x का स्क्वायर, आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा log of x minus 1 ओवर लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक। इसका कोई और पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट मैंने आपको करवाया है, इसके बाद हम इसका जो है सिक्स पार्ट कर लेते हैं, सिक्स